ज्ञान की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में हुआ था महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान था, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान था तो नाडिया में, चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान जो था ये नाडिया में था, चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है तो आनंदपुर साहिब में, आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि स्थित है। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई, तो पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। अगला प्रश्न है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे तो चैतन्य जो है ये बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे, चैतन्य। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय जी जो हैं ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की, तो महाराजा खेतड़ी ने जो है स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि से सम्मानित किया था, महाराजा खेतड़ी जी ने। अगला प्रश्न है हमारा, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में जो है कबीर जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था, तो क्षत्रिय में हुआ था, महावीर का जन्म जो है ये क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध जो है ये शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम था, तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व जो महावीर का नाम था ये वर्धमान था, महावीर का नाम ज्ञान प्राप्ति से पहले वर्धमान था। अगला प्रश्न है, कौन संत महाराष्ट्र से थे, कौन संत महाराष्ट्र से थे, तो तुकाराम जो है ये महाराष्ट्र से थे, तुकाराम ये महाराष्ट्र से थे। अगला प्रश्न है, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासनकाल में थे, तो जहांगीर के शासनकाल में, सिख गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो गुरु गोविंद सिंह जो है इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, खालसा पंथ की जो है स्थापना। अगला प्रश्न है, राग मियां की मल्हार के रचयिता किसे माना जाता है, राग मियां की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है, तो तानसेन को जो है मियां की मल्हार का रचयिता माना जाता है। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी, तो महावीर की माता जो है इनका नाम त्रिशाला था, महावीर की माता का नाम त्रिशाला था। अगला प्रश्न है हमारा, अमीर खुसरो था, तो अमीर खुसरो जो है उपर्युक्त सभी यानी इस अमीर खुसरो एक जो है अमीर खुसरो, इसका प्रश्न दोस्तों हम लास्ट में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे, प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक हैं ये आत्माराम पांडुरंग थे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती जो हैं ये आर्य समाज के संस्थापक थे, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है हमारा, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, तो गुरु अंगद जी जो हैं ये गुरु नानक के उत्तराधिकारी थे, गुरु अंगद। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, स्वामी विवेकानंद। धन्यवाद।